So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्यूल कार्ड के बारे में। मेरे पास है भाई ये दो क्रेडिट कार्ड। ये है मेरा एक्सिस बैंक की तरफ से इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड और दूसरा है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से HPCL एनर्जेटिक क्रेडिट कार्ड। आज इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने एक महीने पहले इसकी वीडियो डाली है भाई, एक महीने पहले लगभग 2.2 के उस पर व्यूज आ चुके हैं और इसकी मैंने 6 महीने पहले वीडियो डाली तो भाई उस पर लगभग 25 के व्यूज आ चुके हैं और काफी लोगों के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वायरी है, तो सारी आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और भाई आपको बताऊंगा इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा कार्ड बेस्ट है, कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मैंने दोनों को भी बहुत बढ़िया बताया, लेकिन अभी जो एक महीने का एक्सपीरियंस और 6 महीने का जो एक्सपीरियंस हुआ है ना इन दोनों कार्ड के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है भाई अगर आप फ्यूल कार्ड सर्च कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करूं अपलोड करते आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सीधा वीडियो पर, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। हमारे पास है ये दो फ्यूल क्रेडिट कार्ड। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से HPCL एनर्जी क्रेडिट कार्ड, दूसरा है मेरा एक्सिस बैंक की तरफ से इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। दोनों ही कार्ड मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं। इस कार्ड को मेरा लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं और इस कार्ड का मेरा लगभग 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। दोनों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भाई कैसा रहा है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और अगर आप बेहतरीन एक फ्यूल कार्ड सर्च कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, इसमें से कौन सा कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के HPCL एनर्जी क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, कार्ड ये आपको देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही बकवास। सही कह रहा हूँ भाई, पूरा बकवास कार्ड है। एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैंने इस कार्ड को लगभग 6 महीने यूज कराया और 6 महीने के अंदर मैंने है ना लगभग 20 से 25 बार मैंने ट्राई किया है। ट्राई कहूंगा वो इसलिए क्योंकि मैंने लगभग 20 बार ट्राई कराया पेट्रोल पंप पर जाकर इस कार्ड से पेमेंट करने का और गाइस 20 में से है ना 15 बार इसका ट्रांजेक्शन फेल हुआ। सही बोल रहा हूँ भाई बिल्कुल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फेल हुए हैं। पेट्रोल पंप पर जाओ वहां पर इससे पेमेंट करो तो भाई ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं। पता नहीं क्या है इस कार्ड के अंदर या फिर बैंक नहीं भाई सीधा ऐसा कर रहा है कि ट्रांजेक्शन का फेल कर दो। अब ट्रांजेक्शन भाई फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैंने कस्टमर केयर बात भी की मेरे से ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं तो वो बार बार बोलते हैं कि सर कोई नेटवर्क इशू हो सकता है या उनकी जो स्वाइप मशीन होती है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। मैं यार अब किसी और कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ ना तो एक बार में हो रही है, एक बार में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ना वैसे ही मुझे बकवास लगता है और क्रेडिट कार्ड देखे थे इन्होंने मुझे साबित कर दिया कि भाई हम वाकई में ही बकवास हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे ट्रांजेक्शन वहां से डिक्लाइन हो रहे हैं कोई बात नहीं। 20 बार हमने ट्राई करा, 20 में से 15 बार हमारे डिक्लाइन हो गए, लेकिन 5 बार हमारे ले लिए ना ट्रांजेक्शन हो गया ना। अब मैं बताता हूँ आपको 5 बार में मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपको है ना लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ भाई, सीधा मैं अपनी स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको इस कार्ड की और स्टेटमेंट पर दिखाता हूँ कि भाई ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं और इस कार्ड की सारी सच्चाई क्या है। तो गाइस सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होगे भाई ये मेरे नवंबर मंथ की है ना स्टेटमेंट है और इसमें आपको देखो आप उसमें नीचे देख रहे होगे मैंने बजाज मोटर करके आ रहा है ना, बजाज मोटर में मैंने ये फ्यूल है ये भाई फ्यूल पर स्पेंड किए मैंने। बजाज मोटर पेट्रोल पंप का नाम है और ये HP का ही पेट्रोल पंप है, मैंने HP पर ही स्पेंड किए हैं और मेरे को जो उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिले पता कितने 0। और जबकि भाई मैं डीमार्ट में स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने डीमार्ट पर स्पेंड करे कुछ 3500 रुपए के आसपास तो भाई उस पर मुझे 235 रिवॉर्ड पॉइंट मिले जबकि फ्यूल पर नहीं दिए इन्होंने, जबकि ये फ्यूल कार्ड है भाई। इससे बकवास बात तो मुझे कहीं लग नहीं सकती। जबकि आप ऊपर है ना देख भी सकते हो भाई इसमें लिखा हुआ है अर्न, कितने रिवॉर्ड पॉइंट मैंने इस मंथ अर्न करे तो 319 आ रहा है ना जबकि 235 मेरे डीमार्ट के हैं और नीचे एक और ट्रांजेक्शन मेरा डीमार्ट का ही उस पर 84 पॉइंट मैंने अर्न करे तो टोटल मेरे 319 रिवॉर्ड पॉइंट मैंने अर्न करे और पेट्रोल पंप से तो मुझे लग रहा है इनका कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं। तो गाइस नेक्स्ट मंथ आया था हमारा दिसंबर, नवंबर में हमने यूज कर लिया, दिसंबर आ गया, दिसंबर में हमने भाई HP पे ऐप से यूज किया। तो गाइस HP पे ऐप पे मैंने 500 रुपए स्पेंड करे, 500 रुपए स्पेंड करने पर मुझे मिले 7 रिवॉर्ड पॉइंट जबकि इनका वादा है 24 रिवॉर्ड पॉइंट का और इन्होंने कितने दिए 7। 24 भी उस पर है कि अगर हम 150 रुपए स्पेंड करते हैं तब हमें 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, मैंने 500 रुपए स्पेंड करे HP पे ऐप पे तो भाई इन्होंने 7 रिवॉर्ड पॉइंट दिए, यहां भी धोखा। उसके बाद गाइज मुझे कंफ्यूजन हुई कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हैं रिवॉर्ड पॉइंट, तो एक बार कस्टमर केयर बात कर ली जाए तो मैंने कस्टमर केयर बात करी, उन्होंने कहा मुझसे कि सर आपके जो मर्चेंट है मतलब जहां पर आप फ्यूल डला रहे हैं उनकी मशीन का जो मतलब मर्चेंट का नाम आता है वहां पर HPCL या HP पेट्रोल पंप आना चाहिए तभी हम आपको रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करेंगे अदरवाइज नहीं। मैंने कहा भाई ये तो गलत है, ये तो आप लोग इस तरीके से कर रहे हो तो ठीक नहीं क्योंकि काफी पेट्रोल पंप है ना अपने नाम पर ही अपने फ्यूल पंप का नाम रखते हैं तो भाई ये तो काफी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने भाई पूरा शहर में ढूंढा पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा जिस पर हमें HP या HPCL देखने को
मिल जाए। फाइनली गाइस हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया जिस पर मर्चेंट का नाम आ रहा था HPCL तारा चंद। तो भाई हमने वहां पर भी पेट्रोल पंप स्पेंड करे, लगभग 3200 रुपए का हमने लगभग वहां स्पेंड करिए। और भाई 3200 रुपए स्पेंड करने के बाद पता है हमें कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले? आप भाई सोच ही नहीं सकते कितने मिले। बताऊं जीरो जीरो भाई जीरो। एक भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिला। HPCL उस पर लिखा हुआ था भाई, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है HPCL, फिर भी एक भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिला। उसके बाद गाइस मैंने है ना मार्च में अपनी एक स्टेटमेंट जनरेट हुई मेरी, उसमें मैंने देखा तो गाइस मैंने अदर पे भी स्पेंड किया। उसके बाद मैंने ट्राई करा कि यार अदर पे देखें स्पेंड करके रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं इस पे या नहीं मिलते हैं, तो मैंने अदर पे भी स्पेंड किया। तो गाइस स्क्रीन पर आप देख रहे हो मेरे को अदर पे रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, और नीचे देखो मैंने इसमें फ्यूल पर फिर दोबारा स्पेंड किए और भाई फ्यूल पर मुझे बिल्कुल जीरो रिवॉर्ड पॉइंट। तो गाइस पिछले 6 महीने में तो भाई मैं काफी डिसअपॉइंटेड रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के HPCL एनर्जी क्रेडिट कार्ड। बात करते हैं सेकंड वाले कार्ड की जो कि आता है हमारा एक्सिस बैंक की तरफ से, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि गाइस इंडियन ऑयल का जो ये क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, ये बिल्कुल लाइफ टाइम आपका फ्री आता है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का तो फिर भी चार्जेबल है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो अगर हम मैं बात करूं उसके स्वाइप मशीन पे स्वाइप करने की, तो गाइस जितनी बार भी मैंने ये कार्ड स्वाइप किया है भाई एक बार भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ। और गाइस बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट की, तो गाइस रिवॉर्ड पॉइंट के लिए एक्सिस बैंक की क्लेम करता है कि हम 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको फ्यूल पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। इस पर भी हमने भाई पूरी PhD कर डाली, और PhD करने के बाद जो रिजल्ट निकल गया है वो तो एकदम ऑसम ही निकल के आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि ये इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, तो गाइस सबसे पहले हमारा काम क्या था, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाना। हम वहां पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद है ना वहां पर हमने पेट्रोल पर स्पेंड किए कुछ पैसे, लगभग 400-500। हमने भाई ट्राई किया कि भाई ये भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट देगा या फिर कोपर। उसके बाद हमने वापस अपने घर आए। 2 दिन बाद मैंने ऐप के अंदर चेक किया तो भाई उसमें शो कर गया कि मैंने कितने पैसे स्पेंड किए हैं फ्यूल पर, और कितना सरचार्ज मेरा वेव ऑफ हुआ है, और कितने रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिले हैं। आपको भी दिखाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऐप की होती नहीं है, लेकिन मैं स्टेटमेंट नहीं डायरेक्ट ऐप में दिखाऊंगा कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट मैंने अर्न करे इस कार्ड से। तो गाइस मेरे फोन की जो स्क्रीन है सामने आप देख रहे होगे याद होगी, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेन्यू खोलते हैं और यहां से एक्सिस बैंक की ऐप पर, यहां पर हम सेक्शन कर सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड, उसके बाद थोड़ी सी सिक्योरिटी, उसके बाद गाइस हमने लॉगिन कर लिया अपना कार्ड। सामने आप देख रहे होगे ऊपर मेरा आपको दिख रहा होगा इंडियन ऑयल का, ये मेरे वाइफ का कार्ड है, मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर हमने चेक किया भाई हमारा ट्रांजिशन में जाते हैं, ट्रांजिशन में जाकर देखिए मैंने फ्यूल पर स्पेंड किए हुए, टॉप फ्यूलिंग हो गया और IOCL इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ भी मैंने स्पेंड किया। और सबसे नीचे देखिए BPCL भारत पेट्रोलियम, ठीक है ये इंडियन ऑयल लिया था, भारत पेट्रोलियम आता है, तो यहाँ पर भी मैंने स्पेंड किए पूरी। हमने मतलब PhD तो करनी चाहिए ना, तो वो हमने करी। तो अब चलते हैं हमारे रिवॉर्ड सेक्शन में जहाँ पर हमें पता लगेगा कि हमने कितने रुपये स्पेंड किए हैं और कितने रिवॉर्ड पॉइंट हमने अर्न किए हैं। उसके बाद गाइस ऊपर आप देख रहे हो 520 रिवॉर्ड पॉइंट है मेरे पास, तो इनको एक्सप्लोर करते हैं। नीचे जाते हैं माई पॉइंट्स पर और उसके बाद माई एज रिवॉर्ड पॉइंट। तो गाइस इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे देखो सारे के सारे इंडियन ऑयल ऑटो केयर, और उसके नीचे आपको दिख रहा है BPCL, सब पर ही मैंने 400 से समथिंग स्पेंड किया और तो सभी पर मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। देखो 80 रिवॉर्ड पॉइंट, जबकि मैंने 476 स्पेंड करे तो 80 रिवॉर्ड पॉइंट मुझे इस पर ही मिले हैं। और BPCL भाई ऊपर आपको दिख रहा होगा BPCL शिवा, ये है BPCL का पेट्रोल पंप, और यहां पर भी मैंने स्पेंड किए थे गाइस, यहां पर भी मुझे 80 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल डलवाएं, भाई कहीं भी डलाएं, मेरे हिसाब से तो ये सब पर ही रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। इस चीज का तो भाई मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई एक्सिस बैंक का जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है ये नहीं देखता कि आपके मर्चेंट पर है ना, मतलब हिंडन बजाज या फिर कोई एंटीसेंट जो भी नाम आ रहा है, अगर ये आ जाता है तो हम आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देंगे भाई, बिल्कुल नहीं। एक तो यार देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि हाँ फ्यूल पर ही स्पेंड किए, तो आप ये भी तो देख रहे होगे कि ये फ्यूल पेट्रोल पंप मतलब कहाँ पर है, वो कौन सा पेट्रोल पंप है, ये भी तो आप सर्च कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो क्रेडिट कर देने चाहिए कस्टमर के अकाउंट के अंदर, जो कि मैं ये बात कह रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। इसी हिसाब से देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो हुआ हूँ वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एनर्जी क्रेडिट कार्ड से हुआ हूँ, क्योंकि गाइस मैंने कम से कम 20 बार ये ट्राई करा था और भाई 20 में से 15 बार है ना इसके ट्रांजेक्शन फेल ही होते हैं। एक्सिस बैंक की बात करूं तो गाइस एक्सिस बैंक में एक बार भी मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि मैंने फ्यूल पर स्पेंड किया और भाई मेरा ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुआ, जबकि आपने देखा होगा मैंने करीबन 5-6 ट्रांजेक्शन कर दिए 1 महीने के अंदर, और भाई एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा वालों यार शर्म करो। तो गाइस ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है दोनों कार्ड के साथ मेरा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ तो भाई बिल्कुल वाहियात रहा है, बिल्कुल बेकार सर्विस है, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड लो।
मैं खुद इसको पर्सनली बंद करा रहा हूं। मैंने इसलिए कहा था कि ये मेरी लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद मेरी स्टेटमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड को बंद करा रहा हूं भाई, क्योंकि इतनी वाहिया सर्विस है और प्लस इसके भाई ₹500 एनुअल चार्ज है, जो कि मुझे बिल्कुल बकवास लगा। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप कोई भी अच्छा फ्यूल क्रेडिट कार्ड सर्च कर रहे हैं तो गाइस एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए, काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और गाइस सबसे बढ़िया बात तो यह है कि गाइस हर पेट्रोल पंप पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है यार, तो मुझे काफी अच्छी लगी इसकी सर्विस और रिवॉर्ड पॉइंट भी पूरे मतलब ₹100 पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट। तो गाइस ये मैंने ₹400 स्पेंड करे तो मुझे 80 रिवॉर्ड पॉइंट मोस्टली मिल चुके हैं। एक ट्रांजेक्शन मैंने 600 का भी किया था तो उसमें मुझे 120 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए थे। तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि गाइस आप है ना एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। मेरी तरफ से भाई एकदम 100 out of 100 है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो भाई बिल्कुल ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, पिछले 6 महीने से झेल रहा हूँ उसको, अब बंद करूंगा इसको। थोड़ा सा नुकसान तो होगा लेकिन कोई बात नहीं, बंद करना ज़्यादा बढ़िया है। बाकी गाइस एक कार्ड और लेके आ रहा हूँ मैं, फ्यूल कार्ड है, वो भी SBI की तरफ से ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, तो उसकी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। वो कार्ड कैसा होगा उसको भी यूज़ करूंगा पहले, उसके बाद ही उसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा यार, क्योंकि उससे पहले ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं कर सकता कि आप ये कार्ड लो, है ना। तो पहले मैं यूज़ करूंगा उसके बाद आपके पास वीडियो लेके आऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को हमारी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, उसको ऑल पे कर देना। ऑल पे करने का फायदा ये होता है कि वीडियो अपलोड होती है आप बस नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और सीधा वीडियो पर। तो मिलते हैं अपनी और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए